हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप सब आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दिसंबर मंथ की रीडिंग जो मैं पार्ट दो में ऐसे कर दूंगी, एक करियर रिगार्डिंग एंड लव रिगार्डिंग, इसी में ही रहेगी, साथ ही रहेगी। टेंशन लेने की वैसे भी कोई बात नहीं है, साथ में रीडिंग्स होगी, पर थोड़ा शफल दो बार करूंगी। शफल दो बार करने से जैसे वैसे पहले लव रीडिंग जो है, बहुत सारे लोगों ने कहा है कि लव रीडिंग ज्यादा बताएं आप, लव के बारे में कुछ ज्यादा बताते नहीं, लव कम्युनिकेशन के बारे में ज्यादा बताते नहीं है। तो इस बार लव कम्युनिकेशन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि दिस मंथ कैसा रहेगा आपका। दिसंबर मंथ लास्ट मंथ है, तो बहुत सारे मतलब ना कि ड्रीम्स है, सपने हैं न्यू ईयर को लेके भी। तो दिसंबर मंथ काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि हम जनवरी में क्या करें क्या ना करें उसके लिए भी प्लानिंग करते हैं, वो भी चीजें होती। तो दिसंबर मंथ में देखते हैं कि आपके लिए मेष राशि से लेके मीन राशि तक कैसा रहेगा करियर रिगार्डिंग, आपके बिजनेस जॉब एंड आपके लव रिगार्डिंग। तो चलिए दोनों भी साथ में देखते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी अगली राशि जो है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए दिस मंथ कैसा रहेगा तो चलिए जानते हैं बिजनेस रिगार्डिंग। तो कहीं ना काम में अच्छी एनर्जी नजर आती है दिखाई, कहीं ना कहीं आपके फैमिली का सपोर्ट आपके काम को लेके मिलते हुए दिखाई दे रहा है। पैसे को लेके ज्यादा थोड़ा सा केयरफुल रहे क्योंकि जितने पैसे आ रहे उतने पैसे खर्च होते हुए दिखाई दे रहे, कहीं ना कहीं न्यू नया काम या फिर नए बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करते हुए भी नजर आते हुए दिखाई दे रहे। कुछ चीजें ऐसी हो जाएंगी कि आप मिलते ना कि रॉन्ग डायरेक्शन पे जाते हुए दिखाई दे रहे, कहीं ना कहीं अगर आप कुछ चीजें करते तो आप अपनी फैमिली का डिसीजन ले ले तो काफी अच्छा रहेगा। काम में ज्यादा करके आपका जो है दिस मंथ ऐसा रहेगा कि काम में ज्यादा करके फोकस रहेगा, काम में ज्यादा करके आपका टाइम ज्यादा बीतते हुए दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो कुछ ना कुछ लॉसेस को लेके आप थोड़ा सा आगे लॉस होते हुए दिखाई दे रहे कि जिस वजह से बोलते हैं कि एक चीज थोड़ी सी अनदेखा होने की वजह से थोड़े से लॉसेस जरूर हो गए। तो बी केयरफुल क्योंकि थोड़े से पैसे ज्यादा खर्च होते हुए नजर आते थे, जहां पे 100 रुपए की बात है वहां पे 200 रुपए खर्च हो गए। तो कुछ भी अगर चीजें खरीदते हैं तो बी केयरफुल, थोड़ा सा सोच समझ के भाव वगैरह करके कुछ चीजें खरीदे। डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई सिग्नेचर अगर आप कर रहे तो प्लीज केयरफुल होके आप डॉक्यूमेंट पे सही कीजिए, वो बेटर रहेगा दिस मंथ के लिए। अगर जॉब के बारे में बात की जाए तो जॉब के लिए भी काफी अच्छी हालात है आपकी। दिस मंथ में काफी प्रशंसा होगी आपके काम में, आपके काम को लेकर आप आगे बढ़ेंगे, काम को लेकर आप थोड़ा बाहर भी जाते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं थोड़े से आपकी जो एनर्जी जो है, कहीं ना कहीं आप कुछ चीजें सेविंग करने के बारे में भी सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप जॉब के रिलेटेड भी मतलब आप जितने भी पेमेंट आपके आते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़े से सेविंग हो जाए, ये कंडीशन भी आपकी नजर आती हुई दिखाई दे रही है। प्रमोशन हो जाएगा, कहीं ना कहीं मनी इनकम सोर्स भी बढ़ते नजर आते हुए दिखाई दे रही है। तो चलिए आगे बढ़ते लव कम्युनिकेशन के लिए मकर राशि वालों के लिए। तो लव कम्युनिकेशन दिस मंथ में थोड़ी सी नोकझोंक होती रहेगी एक दूसरे के साथ, थोड़े से इमोशनली डाउन्स एक दूसरे के लिए, थोड़ी सी बोलते ना कि एनर्जी जो है काफी नेगेटिविटी चीजें दिखाई दे रही है, पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक दूसरे के लिए टाइम निकालेंगे और कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाहर जाते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे 10-15 दिन के लिए, तो कहीं ना कहीं थोड़े से बाहर लॉन्ग रोड पे कहीं नहीं कहीं ना रिलेटिव्स के यहाँ पे कहीं ना कहीं या फिर कहीं बाहर या फिर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजों की जगह जहाँ पे आप थोड़ा सा आपका मन जो है शांत हो जाए, थोड़ी ठीक हो जाए, रिलेशनशिप ठीक हो जाए, कम्युनिकेशन बेटर हो जाए। तो दिस मंथ में आपकी एनर्जी ठीक है पर कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन्स बहुत ज्यादा चलेगी, सराउंडिंग एनर्जी या फिर कहीं ना कहीं लोगों की बातें सुनना या फिर कहीं ना कहीं किसी से लड़ाई हो जाना सडनली, ये चीजों की वजह से थोड़ी सी परेशानी आती हुई दिखाई दे रही है रिलेशनशिप में। कहीं ना कहीं अगर आपने पार्टनर को ब्लॉक किया होगा या फिर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया होगा तो ब्लॉक खुलने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, एक दूसरे से कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर आपकी घर पे शादी की बात चल रही है तो शादी की बात डेफिनेटली करके हाँ में आंसर है। दिस मंथ में आपकी शादी की बातें जो है आगे बढ़ जाएंगी, शादी ब्याह का माहौल दिस मंथ पे नजर आते हुए दिखाई दे रहा है, जिस वजह से थोड़े से बाहर निकल के खुद को खुश करने का थोड़ा सा मौका जो है ढूंढेंगे आप दिस मंथ में। एंड जैसे की बात की जाए एंजल्स मैसेज की, तो एंजल्स मैसेज दिस मंथ आपके लिए क्या कहना चाहते हैं, दिसंबर मंथ में आपके लिए क्या एनर्जी लेके आते हैं। तो जैसे कि आपके लिए कार्ड्स शफल हो चुके हैं एंड जैसे कि आप जो भी काम करेंगे इसमें इम्प्रूवमेंट आपको मिलेंगी, खुद को लॉक करके रखे, खुद की एनर्जी बोलते हैं कि खुद की आपकी ओरा एनर्जी जो है जो स्प्रेड हो रही है, जिस वजह से आप थोड़ा सा बोलते हैं कि डाउन हो रहे हैं, नेगेटिविटी आप कैच कर रहे हो और पॉजिटिविटी लोगों को दे रहे हैं, ऐसी चीजें हो रही है। तो ऐसी चीजें ना करें, आप अपना ओरा लॉक करके रखें और थोड़ा सा रुक जाइए, जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए थोड़े टाइम के लिए रुक जाइए,
प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा कि दिस मंथ आपका कैसा रहा। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज मुझे लाइक कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन पे क्लिक करना भी ना भूले, आपको नोटिफिकेशन जो है मेरे जो है मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैरो कार्ड रीडिंग की क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग भी स्टार्ट है, आप टैरो कार्ड रीडिंग भी कर सकते हैं। केपी एस्ट्रोलॉजी से आप आपकी रीडिंग कर सकते हैं, कुंडली देख सकते हैं, आप बहुत सारे क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड मैं फाइनली मंडे को लाइव आ रही हूँ शाम के 6 बजे, तो 6 से 6:30 बजे लाइव में फ्री सेक्शन रहेगा, आप अपनी टैरो रीडिंग करवा सकते हैं और ऐसे ही आप मुझसे मिल सकते हैं। मैं ऐसे ही आपसे मिलती रहूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।